इस वक्त सभी पार्टियां चुनावी रैलियां और सभाएं आयोजित करने में लगी है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के द्वारा अपना प्रचार बढ़ा रही है। पार्टियों ने विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और नेताओं की प्रशंसा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। प्रचार अभियान लाइव स्ट्रीम करके सोशल मीडिया यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए अपना पूरा दम दिखा रही है। बीजेपी के वॉर रूम के सोशल मीडिया टीम के कार्यकर्ता बंद कमरों में बैठने के बजाय बाहर ग्राउंड जीरो पर आकर अपनी पार्टी और नेताओं का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मेन मोटिव ये है कि आप समस्या देखिए, जो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये शाबाश डेरिक रहने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ ये रहता है कि आम लोग, जो मोदी जी का विजन भी है कि जो सबसे नीचे का तबका है उसके लिए सोचते हैं वो। ये ऐसी जगह है जहाँ पे विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, पार्षद भी आम आदमी पार्टी का, सरकार भी आम आदमी पार्टी का है। उसके बाद ही कंडीशन देखिए क्या है, जैसे हमारी ये माताएं बहनें यहाँ कह रही हैं कि जब बारिश होता है तो बारिश के अंदर में ये इनके घर के अंदर पानी रहता है। अब ये सोचिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, ये कंडीशन देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का हमारा जो सोशल मीडिया टीम है, हमारा सोशल मीडिया टीम कहते हैं कि हम ग्राउंड पे जाके जो सच्चाई है, जो हकीकत है, ऐसा नहीं कि बस हम वहाँ कमरे में बैठ के और बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी बनाएं और जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं करते। हम ग्राउंड पे आएंगे तो हकीकत पता चलेगी। और जो कहीं ना कहीं जो केजरीवाल साहब ने माहौल बना रखा है दिल्ली के अंदर में, दिल्ली को हमने लंदन बना दिया, ये लंदन आपके सामने है, ये हमारी पूरी परिवार, हमारी माताएं बहनें सामने लंदन देख रही थी, लंदन में जी रही हैं। ये देखिए, अब देखिए इनके सामने कह रही है, जानेंगे एक बार। ये स्विमिंग पूल है बेटा, हम नहाते हैं, ये स्विमिंग पूल है, अपने बच्चों को मच्छर काट रहे हैं, वही बना दिया, बीमार पड़ रहे हैं, टाइफाइड हो रहे हैं बच्चों को, हमारे घर में इतने काम है, यहाँ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, टाइफाइड हो रहा है, सुई लगवा रहे हैं, 5,000 रुपए लगा के आ रहे हैं हम लोग बच्चों के पीछे, इसके पीछे घर में पुकार रहे हैं किसी को, ना नाली साफ होती है, ना तो गली में खूब पानी भरा रहता, कूड़ा अपने हाथे निकालते हैं, अपने हाथे गाड़ी में फेंकते हैं, कूड़ा निकालने आएंगे कुल्ची डालेंगे, फोटो खींच के आगे भेज देंगे, बस इनका यही काम रहा था, कूड़ा नहीं निकालते हैं। यही 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 जो यही मैं कह रहा था, ये शब्द भाजपा के नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं पार्टी है, अपनी जगह है, मगर जब यहाँ यहाँ के लोग, आप बात समझिए, आम लोग बड़े यकीन के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ किसी को वोट करते हैं। क्यों करते हैं? उनके दुख सुख में आएंगे, उनका वो काम करेंगे, मगर वो उन्होंने उसी नाम पे विधायक इनको बनवा दिया, उन्होंने फिर आके बोला कि आप मेरा पार्षद बनवा दो तो आपका बहुत अच्छा काम होगा, पार्षद भी उनका बनवा दिया, सरकार भी केजरीवाल की है। अब जब सब कुछ आपके हाथ में है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सीरा पहला से वसूल रहा है कि पब्लिक के बीच में जाके उनकी बातों को रखना, हम सोशल मीडिया की टीम, हम ग्राउंड पे आ रहे हैं, हम इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, इनकी समस्याओं को बता रहे हैं, और ये समस्या हमारी माताएं बहनें अपने मुंह से बता रहे हैं, देखिए तो कहीं ना कहीं हमें भी पीड़ा होती है देख के। हमारा फर्ज बनता है, दिल्ली के अंदर में अगर हम विधानसभा में विपक्ष में हैं, हमारा फर्ज बनता है, अगर केजरीवाल साहब, उनकी सरकार, उनकी यहाँ पे जो निकम्मे विधायक पार्षद काम नहीं कर रहे हैं तो उसको हम लोगों को दिखाएं। तो वही कांग्रेस भी आम चुनाव के लिए अपने प्रमुख नेताओं को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में भी विरोधी पार्टियों को सोशल मीडिया के जरिए कड़ी टक्कर देने की तैयारी चल रही है। अपनी पार्टी और नेताओं के संदेश वोटर्स तक पहुंचाने जैसे हर खास काम के लिए टीम में अलग अलग सदस्यों की जिम्मेदारी तय की गई है। सोशल मीडिया वॉर रूम तैयार कर पार्टी अपनी हर बात को जनता तक पहुँचा रही है।